वेलकम फ्रेंड्स, मैं स्वामी आपका स्वागत करता हूँ मेरा मेरे चैनल के ऊपर, स्वामी कंप्यूटर्स के ऊपर। तो दोस्तों स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ, आप जैसे कि यूट्यूब की कंप्लीट, आप जैसे कि मान लीजिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आपको वेबकैम चाहिए बेस्ट, ये आपको चाहिए माइक बेस्ट जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकें। इसके लिए मैं आज आपके लिए कुछ सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको आज बताने वाला हूँ कि आप इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको मैंने एक लिंक दिया जिसके अंदर आपको एक कंप्लीट जिप फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आज आपको मैं ये तीन चार चीज़ें आपको देने वाला हूँ। जैसे कि बेसिकली हमें एक पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए कंप्यूटर के लिए। सबसे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो है बेलीकैम, सबसे अच्छा एक स्क्रीन रिकॉर्डर है बेसिकली हमारे नॉर्मल यूजर्स के लिए। जो जिप फाइल को पहले आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका लिंक अलग से दिया हुआ है। तो इसको आपने डाउनलोड करने के बाद पहले आप इसका सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो आपको मिलेगी कि लोडर मिल जाएगा और एक की मेकर मिल जाएगा आपको। लोडर को आपने पेस्ट कर देना है उस फोल्डर के अंदर जाके जिस फोल्डर के अंदर आपका ये अवेलेबल होता है। तो आपने पहले इसके अंदर आपको ये जो की मेकर है इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले आप इस की मेकर से आप इसको जो इसकी कीज है एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए इसमें आप पहले ईमेल एड्रेस डाल देंगे आप अपना, उसके बाद आप रजिस्टर्ड एप्लीकेशन करेंगे, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद लोडर को आप कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो शॉर्टकट है बैंडीकैम का, शॉर्टकट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन करेंगे। ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद आपके सामने जो इसका लोडर लोकेशन है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, जो भी लोकेशन खुलेगा उसको पेस्ट कर देना है। और इस लोडर का जो शॉर्टकट है हमें डेस्कटॉप के ऊपर बना लेना है। उसके बाद आप देखें लोडर का शॉर्टकट जो हमारे पास आ रहा है, अब इसको रन करेंगे। हम देखेंगे कि रजिस्टर हो चुका है या नहीं हो चुका, हमने जो एक्टिवेशन हुई है या नहीं हुई है, तो आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे अबाउट के अंदर जाएंगे, अबाउट के अंदर आप जाने के बाद देखेंगे कि ये रजिस्टर हो चुकी है एप्लीकेशन। जैसे कि आप मैंने जो ईमेल आईडी टाइप की थी वो एप्लीकेशन की ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है और ये हमारा प्रोडक्ट जो है प्रॉपरली एक्टिवेट हो चुका है। सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर क्रोमा की को कैसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्रोमा की को यूज करने के लिए, इसके माइक को यूज करने के लिए आप कैसे करेंगे, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर मैं उसका भी एक लिंक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर में आपको वेबकैम यूज करना होगा, तो आप जाएंगे यहाँ पे वेबकैम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड वेबकैम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका कैमरा है वेबकैम का, यहाँ पे जो मैं ड्रॉइड कैम यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको चूज करूंगा। उसके एडवांस में जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी लोकेशन, आप कैमरे को चेक कर लीजिए, जो भी कैमरा आपका रनिंग होगा वो आपका कैमरा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने कैमरा जो यूज कर रहे हैं इस समय, आप फिलहाल अभी मैं इस समय करंट रिकॉर्डिंग के अंदर जो है इस कैमरे को यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली अभी फिलहाल जो है करंट टाइम है, अभी जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं इस कैमरे को यूज कर रहा हूँ, तो एक करंट टाइम आप एक ही जगह एक एप्लीकेशन में कैमरे को यूज कर सकते हैं। सिंपली जो है आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे सोर्स है वेबकैम का वो आपने चूज करना है, जो भी आपका सोर्स रहेगा वो सोर्स यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे ड्रॉइड कैम 2 या ड्रॉइड कैम 1, जो भी आपका सोर्स है वहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका इसका फॉर्मेट है वो 720 जैसे कि मैंने कर दिया है। उसके बाद आप स्क्रीन का जो इसका आप राइट साइड में यूज करना चाहेंगे तो उसको आप राइट साइड में यूज कर लेंगे। इसका साइज जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके साइज को आप सेट करने के बाद आप इसको जैसे कि बता देता हूँ आपको, एक बार बंद करके चलाना है आपने। चलाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें होती है जो आपको बता रहा हूँ, इसमें माइक को कैसे यूज करेंगे, अगर आपको साउंड सेपरेटली अगर यूज करना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको बताने वाला हूँ आप इसके अंदर। फिलहाल अभी करंट टाइम जो है कैमरे की जैसे कि आप देख रहे हैं लोकेशन जो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आप अगर ग्रीन पर्दा या कोई और पर्दा आप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली आपने सेलेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो पिन है इसे आप जो कलर यूज कर रहे हैं वो कलर को आपने चूज कर लेना है यहाँ पर।
चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है वो यूज जो है आपका ये यहाँ पे एक्सेस जो है वो कैमरे का कलर जो है आ चुका है, बैकग्राउंड जो भी बैकग्राउंड आपका वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ये आपका प्रोसीजर है वेबकैम को यूज करने के लिए। जैसे कि आपने पहले क्या करना है दोबारा बता देता हूँ, आपने वेबकैम पे क्लिक करना है, यहाँ पे वेबकैम ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप पे यहाँ पे जो सोर्स है उसका वो डाल देना है, जो भी सोर्स है आपका। एडवांस में जाना है आपने और यहाँ पे जो कैमरा है जो आपका वो यहाँ पे आपको जैसे कि देख रहे हैं शो हो रहा है, जैसे ब्लैक स्क्रीन अभी आ रही है तो ये अभी करंटली मैं यूज कर रहा हूँ इसलिए शो नहीं हो रहा है। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। अब आपकी बात है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो माइक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसका माइक जो अभी करंट टाइम जैसे कि आप माइक को चूज कर लेंगे, मैं इसको वर्चुअल माइक को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है सेव ऑडियो ट्रैक वाइल रिकॉर्डिंग, इसके अंदर आप इसके ऊपर टिक लगा देंगे तो आपका ये इसके अंदर सेव का जो है अलग से एक ऑडियो का फाइल जो अलग से बन जाएगा आपका, जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो अलग से भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके कर देंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कैसे इसको एक्टिवेट करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, आपको समझ में आ गया होगा। बेंडीकेम सॉफ्टवेयर के अंदर आप वेबकैम को और आपके जो माइक, आप माइक भी यूज कर सकते हो प्लस कैमरा दोनों चीज यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्वालिटी भी जैसे कि आप 720 के वेबकैम की क्वालिटी जो है यूज कर सकते हो। अब इसके बाद बात आ जाती है इसके अंदर आप, उसके बाद आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको अगर स्क्रीन साइज चूज करना हो तो आप फोन के ऊपर जाएंगे, फुल स्क्रीन चूज करेंगे, उसके बाद आपकी फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो ये प्रोसीजर है बैंडीकैम को यूज करने का। और इसके बाद आप बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैंने अपना नंबर दिया है। और एक सॉफ्टवेयर जो आपको आज मैं देने वाला हूँ वो है ड्रॉइड कैम। ड्रॉइड कैम का जो किट है मैंने आपको ये जो है इसका एक .exe फाइल है, इसका पहले आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली वो बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसका टूगल मोड जो होता है इस पर तो क्लिक करना है, ओपन फाइल के ऊपर, उसके बाद HD इसका जो मोड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसमें चूज कर लेंगे अपना 720 के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद आप ड्रॉइड कैम को कैसे यूज कर सकते हैं इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर आपको कम्प्लीटली इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बैंडीकैम स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताया है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे और नई वीडियो के साथ।